तो छोटी आइटम है हमारे पास, यूएसबी प्लेयर है इसी के अंदर है बेसिकली। इसमें जो पावर है तो देख सकते हैं, ये बड़ा वाला है इसके अंदर। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं पूरी मेटल बिल्ड के अंदर, मतलब ये जो बड़े एम्पलीफायर्स है। और इधर आप लोग देख सकते हैं कुछ यहाँ पर पुश बटन, और यहाँ पर आप लोग नीचे भी देख सकते हैं कुछ हमको, और एक इसमें ये कनेक्टिविटी दी हुई है, अगर देख सकते हैं कुछ इस तरीके का है ये। सो हे वेलकम बैक गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग, आई होप आप सब लोग ठीक हो गए और मस्त हो गए। सो गाइस अभी मैं हूँ लाजपत राम मार्केट के अंदर, बेसिकली मैं हूँ शॉप नंबर 360 पर, जो कि हमारा है साईं इलेक्ट्रॉनिक्स के नेम से। तो गाइस चलो फटाफट से हम शॉप के अंदर चलते हैं और देखते हैं अंकल के पास में क्या क्या वैरायटी अवेलेबल है, क्या क्या प्राइस पॉइंट पर अवेलेबल है। तो चलिए फटाफट से अंकल से मिलते हैं। सो गाइस आप लोग देख सकते हो बेसिकली ये अंकल की शॉप, मैं एक बार आपको अंदर से दिखा देता हूँ। आप लोग देख सकते हो अंकल की शॉप पर ये सारी चीजें मिल जाएंगी, यहाँ पे हॉर्न वगैरह भी है। इधर आप लोग देख सकते हो ये सारे होम थिएटर वगैरह भी है, ये सारे कार्टन के अंदर रखे हुए हैं अभी। और अंकल के पास में आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर। ये बेसिकली हमारे ई रिक्शा के अंदर जो म्यूजिक सिस्टम्स वगैरह लगते हैं, ये आइकॉन ब्रांड का है, ये थोड़ा बड़ा है इससे। और आप लोग देख सकते हैं ये कुछ बड़ा वाला है, बेसिकली ट्रैक्टर वगैरह में ज्यादा यूज होता है, चाबी वाला है यहाँ से ऑन ऑफ के लिए। और भी यहाँ पे अंकल जी के पास में काफी सारी वेरायटी है मल्टीमीडिया प्लेयर्स की, आप लोग देख सकते हैं। इधर मैं आपको दिखा रहा हूँ, बड़ा भी है, इससे छोटा भी है, आइकॉन ब्रांड का भी है। सो गाइज चलिए फटाफट से मैं आपको अंकल से मिलाता हूँ, जो की शॉप के ओनर है। हेलो अंकल, कैसे हो? बढ़िया, आप सुनाइए। अंकल मैं भी ठीक हूँ। तो अंकल क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज है। सो गाइस अंकल का नाम नीरज है। तो अंकल आज क्या क्या दिखाने वाले हो आप हमको? मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी आइटमें दिखाऊंगा जो डे टू डे यूज में, जैसे ऑटोज में, टैक्सेस में यूज होती हैं। और इसके अलावा मेरे पास मल्टीमीडिया स्पीकर्स हैं जो घर में यूज होते हैं। सो गाइस फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अंकल सबसे पहले कौन सा आइटम दिखाने वाले हैं आप? ये देखिए सबसे छोटी आइटम है हमारे पास, यूएसबी प्लेयर है। इसमें ब्लूटूथ है, एफएम है, विद रिमोट है। ओके, ये जैसे ई रिक्शाज हैं और ऑटोज हैं और टैक्सीज हैं, उसमें ये यूज होती हैं। ओके, और इसमें कई मॉडल आते हैं, जैसे ये मॉडल है। ओके, ये मॉडल है। ओके अंकल, तो इसमें कितने इंच के स्पीकर चल जाएगा? इसमें जनरली 6 इंच तक का चलाते हैं। 6 इंच तक का चलाते हैं, सिंगल या डबल? डबल चल जाएगा। डबल चल जाएगा। ओके, और अंकल ये जो सेकंड वाला मॉडल आता है फिर इसके अंदर? इसमें ही डिफरेंट मॉडल्स हैं। ओके, तो जैसी फिटिंग आती है उसके हिसाब से ये मॉडल चलेंगे। ओके, सो गाइस आप लोग देख सकते हैं इसमें ब्लूटूथ ये पैनल भी लगा हुआ है आगे। हाँ। और ये हमारा नोब भी दिया हुआ है वॉल्यूम को कम ज्यादा करने के लिए। इसमें नोब नहीं है, ये डायरेक्ट चलेगा, आप लोग देख सकते हैं। ये विद नोब है और साइज भी थोड़ा बड़ा है। अंकल इसके साथ कितने इंच के स्पीकर चल सकते हैं? 6 इंच तक के चलेंगे। इसके अंदर भी 6 इंच तक पेयर पेयर चलेगा? हाँ। ओके, सो गाइज इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट टाइप का मॉड्यूल, कुछ इस टाइप का आता है। बेसिकली हमारे ई रिक्शा में सबसे ज्यादा यूज होता है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें आपको एक ब्लूटूथ पैनल मिल जाएगा, ऑन ऑफ के लिए यहाँ पर एक स्विच मिल जाएगा, और आप लोग देख सकते हैं पीछे वायर वगैरह है कनेक्शन के लिए। विद रिमोट है। विद रिमोट है। तो अंकल इसमें भी 6 इंच स्पीकर चलेंगे? हाँ जी, 6 इंच। इसमें सिंगल चलेगा डुअल? डुअल, चाहे सिंगल चलाओ डुअल चलाओ आपकी इच्छा है, वैसे डुअल चलते हैं। ओके, डुअल चलते हैं। तो अंकल ये सारे 12 वोल्ट से ऑपरेट होते हैं? हाँ, 12 वोल्ट डीसी। 12 वोल्ट डीसी। ओके अंकल, नेक्स्ट कौन सा मॉडल आता है इसके अंदर? नेक्स्ट ये है। ओके, सो गाइस आप लोग देख सकते हैं नेक्स्ट मॉडल ये आता है। इसके लिए पूरा जो हमारा आयरन बिल्ड के अंदर है आप लोग देख सकते हैं। और ये डबल आईसी में? और ये डबल आईसी के अंदर है। बेसिकली इसमें जो पावर है अगर इनसे कंपेयर करें तो ज्यादा है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें आपको वॉल्यूम, बेस, ट्रेबल के सारे नोब्स वगैरह मिल जाएंगे। एक बीटी कार्ड भी मिल जाएगा यहाँ पे ब्लूटूथ को कनेक्ट करने के लिए। बाकी एक ऑन ऑफ का स्विच मिलता है, आप लोग देख सकते हैं कुछ इस टाइप का। पीछे वायर दिए हुए कनेक्शन के लिए। और यहाँ पर आप दो स्पीकर काफी हैवी वाले चला सकते हो, बेसिकली इसके अंदर दो आईसी है। तो इससे नेक्स्ट पे चलते हैं, फिर इससे बड़ा वाला आता है। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं ये बड़ा वाला है, इसके अंदर बेसिकली हमारा कार वगैरह में भी यूज हो सकता है अंकल जी? हाँ, ये कार है, ट्रक है, ऑटोज हैं, वैन्स हैं। ओके ओके, तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर भी हमारा ये बीटी पैनल लगा हुआ है। यहाँ पर एक आपको नोब मिल जाता है वॉल्यूम के लिए, और आप लोग देख सकते हैं बेस ट्रेबल का भी कंट्रोल है यहाँ पर। तो अंकल इससे कितने स्पीकर चला सकते हैं हम लोग? इससे भी दो ही चलेंगे, पर इसमें 8 इंच तक चल जाएंगे। 8 इंच तक के स्पीकर ही सपोर्ट करता है? हाँ जी। ओके, और इसमें, हाँ इसमें मेरे पास 4 मॉडल हैं, जैसे एक मॉडल ये था। ओके, एक ये है। ओके, आप लोग देख सकते हैं। तो अंकल इसमें मतलब ये फ्रंट का इसका जो पैनल है वो सब में डिफरेंट है? पैनल डिफरेंट है, कुछ में लाइट्स अलग है। जैसे ये मॉडल है ये बिग डिस्प्ले में, इसमें जो डिजिट्स हैं वो बड़ी आएंगे। कि ये यहाँ पर पूरा डिस्प्ले है इसके अंदर। ये है, ये पूरा मेटल में है, इसका फ्रंट भी मेटल है। ओके, सो गाइस आप लोग देख सकते हैं ये पूरा मेटल के अंदर है, फ्रंट भी इसका मेटल के अंदर है। और ये जितने भी मॉडल्स थे इनका बेसिकली फ्रंट जो हमारा प्लास्टिक पैनल के अंदर आता है, बट इसके अंदर हमारा मेटल है, मेटल बिल्ड के अंदर आता है। बाकी नोब्स वगैरह वही है सारे, वॉल्यूम, बेस, ट्रेबल। और यहाँ पर आपको बैलेंस भी मिल जाएगा, बेसिकली आप दोनों स्पीकर के चैनल को कंट्रोल कर सकते हो, लेफ्ट में साउंड ज्यादा करनी है, राइट में साउंड ज्यादा करना है। और आप लोग देख सकते हो ये आइकॉन ब्रांड का है, बेसिकली आइकॉन ब्रांड अंकल का ब्रांड है।
और यहाँ पर आपको रिमोट मिल जाता है। अंकल इसके साथ कितने इंची के स्पीकर हम लोग चला सकते हैं? आप 6 इंच के भी चला सकते हो और 8 इंच के भी चला सकते हो। ओके, 6 इंच के भी चला सकते हैं, 8 इंच के भी चला सकते हैं। तो अंकल कितने से स्टार्टिंग हो जाती है लगभग इन वाले मॉडल्स की? ये जो बड़े वाले हैं, हाँ अंकल बड़े, ये 300 से स्टार्टिंग, 300 से लेके मेरे पास 930 तक है। 930 तक है ये वाले? ओके। और अंकल ये छोटे वाले? छोटे वाले हैं ये 170 से लेके 240 तक। 170 से लेके 240 तक। ओके। इसके अलावा एक हमारे पास ये है, ये इसको लॉक सेट कहते हैं। ओके। ये जनरली ट्रैक्टर में लगता है, ट्रैक्टर वगैरह में ज्यादातर यूज होता है। और ये भी डबल आईसी में है। ओके। और इसमें भी आप 6 इंच और 8 इंच दोनों चला सकते हो। ओके। ये भी 12 वोल्ट से चलेगा? 12 वोल्ट डीसी। ओके। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं पूरी मेटल बिल्ड के अंदर है। यहाँ पर हमको ये एक की वाला स्विच दे रखा है ऑन ऑफ करने के लिए। ट्रैक्टर वगैरह में ज्यादातर ये यूज होता है, ब्लूटूथ सपोर्टेड है गाइस ये वाला। तो अंकल इसका प्राइस कितना बैठता है लगभग? 380 से 500। 380 से स्टार्ट हो जाता है और 500 तक जाता है। ओके। सो गाइस बेसिकली यहाँ पर जितने मॉडल हम लोग कवर कर रहे हैं ये सारे होलसेल के हैं, और अंकल जो आपको प्राइस बताएंगे वो एक होलसेल का अप्रोक्सीमेट प्राइस बताएंगे। अगर आपको एग्जैक्ट प्राइस अगर देखना है तो बेसिकली इन अंकल से आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं अंकल का सारा डिस्क्रिप्शन में एड्रेस वगैरह, कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह सब कुछ डाल दूंगा, ठीक है अंकल? अगर किसी कोई भी क्वेरी होती है, प्राइस अगर किसी को कन्फर्म करना होता है तो आप अंकल से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करके कन्फर्म कर सकते हैं। बेसिकली ये सारा जो मेटेरियल है अंकल होलसेल में बेचते हैं, रिटेल में नहीं देते हैं। अगर कोई होलसेलर हो तो अंकल से कांटेक्ट कर सकता है। तो अंकल इसके बाद कौन सा मॉडल आता है? इसके अलावा फिर हमारे पास एम्पलीफायर्स हैं। सो गाइस मल्टीमीडिया प्लेयर के बाद में अब हमारे पास में ये कुछ डिफरेंट टाइप के एम्पलीफायर्स आ जाते हैं, आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले हमारा कुछ इस टाइप का है। तो अंकल ये कितने वॉट के स्पीकर चला सकते हैं? इसमें आप 8 इंचेस और 10 इंचेस दोनों चला सकते, पेयर चला सकते। ये भी 12 वोल्ट पे चल, 12 नहीं ये दोनों पे चल जाएगा, 12 वोल्ट पे भी चल जाएगा और एसी पे बिजली पे 20 वोल्ट पे भी चल जाएगा। एसी बिजली पे भी नहीं। हाँ। ओके। सो गाइस इसमें दोनों फीचर है, 12 वोल्ट डीसी पे भी चल जाएगा। आप लोग देख सकते हैं बेसिकली इसमें आपको बीटी पैनल मिल जाता है और यहाँ पर आपको यहाँ पे माइक का ऑप्शन मिल जाता है, सारे नोब्स वगैरह मिल जाते हैं, बेस ट्रेवल बैलेंस का एक मास्टर वॉल्यूम मिल जाता है ऑडियो को कंट्रोल करने के लिए। इसमें डिफरेंट मॉडल्स हैं, जैसे एक आपको दिखाया, इसके अलावा एक ये मॉडल है हमारे पास। ओके। तो गाइस ये सेकंड टाइप का मॉडल है, आप लोग देख सकते हैं डिफरेंट डिजाइन के अंदर है। बेसिकली अंकल स्पेसिफिकेशन सबकी सेम ही होंगी ना? हाँ जी, इसमें जो बेसिक डिफरेंस है वो आगे के पैनल्स का, आगे के पैनल का, बाकी पावर आउटपुट सबका सबका सेम है। ओके। एक इसमें ये नेक्स्ट टाइप का ये मॉडल है, ये वाला मॉडल आ जाता है, ये तो देखने में काफी अच्छा। गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमें दोनों स्पीकर्स के अलग अलग कंट्रोल मिल जाते हैं। इसका एक स्पीकर के वॉल्यूम बेस ट्रेवल अलग है और दूसरे स्पीकर के वॉल्यूम बेस ट्रेवल अलग है, और साथ में रिमोट तो मतलब सबके साथ में मिलेगा यार सब में। हाँ। ओके। तो अंकल ये जो बड़े एम्पलीफायर्स है इसकी स्टार्टिंग कितने से हो जाती है आपके पास में? इसपे 410 से लेके 590 रुपीस तक है। 410 से लेके 590। और ये सारे 44 डबल आईसी में है, 44 डबल आईसी के अंदर। जैसे अब ये मॉडल है, इसमें ये थोड़ा बड़ा मॉडल है। ओके। ये बेसिकली इन सबसे बड़ा मॉडल है। हाँ। ओके। ये कौन से आईसी के अंदर होगा? ये भी 44 डबल आईसी में, ये भी 44 डबल आईसी में। इसके ऊपर हम 10 इंची के स्पीकर चला सकते हैं, 8 इंच तक का इसके। हाँ। और यहाँ पर आपको ये मास्टर वॉल्यूम मिल जाएंगे दो, और बाकी आप लोग ये सारे वॉल्यूम ट्रेवल वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ पे इजीली। तो अंकल इससे ऊपर कौन सा आता है? सो गाइस छोटे एम्पलीफायर्स के बाद में बारी आती है बड़े एम्पलीफायर्स की। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं ये वाला बड़ा एम्पलीफायर है। तो अंकल इसके क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है, कुछ इसके बारे में हमको बताएंगे आप? ये एम्पलीफायर जो है बेसिकली 30-55 ट्रांजिस्टर में है। ओके। और इसमें 4 ट्रांजिस्टर और 8 ट्रांजिस्टर दोनों एम्प मिल जाएंगे। ओके। और ये इसमें आप 8 इंच और 10 इंच दोनों तरह के वूफर चला सकते हो। ओके। इनकी बेस अच्छी है आईसी सेटों के मुकाबले। सो गाइस एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका फ्रंट पैनल का लुक कुछ इस टाइप का है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर आपको बेस ट्रेबल और बैलेंस की नोब मिल जाएगी, एक माइक्रोफोन जैक मिल जाएगा, एक मास्टर वॉल्यूम मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको बीटी कार्ड वगैरह मिल जाएगा। और इधर आप लोग देख सकते हैं कुछ यहाँ पर पुश बटन वगैरह दिए हुए हैं यूएसबी और एफएम में कन्वर्ट करने के लिए, और माइक वगैरह के लिए भी यहाँ पे कुछ बटन वगैरह दिए हुए हैं। सो गाइस चलिए फिर नेक्स्ट वाला देखते हैं, नेक्स्ट वाला कौन सा आता है? तो गाइस सेकंड ऑप्शन जो आता है हमारे पास में ये आता है, बेसिकली मॉस्फेट के अंदर आता है। तो अंकल इसकी क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं? इसमें एक तो आप हाई जो बड़े कॉलम्स हैं वो चला सकते हो, जैसे 10 इंची 12 इंची के। Okay. उसकी आउटपुट जो है दूसरे ट्रांजिस्टर के सेट के मुकाबले बहुत अच्छी है। Okay. अगर मॉस्फेट के अंदर है ना? हाँ, ये मॉस्फेट में है। Okay. और इसमें भी एफएम ब्लूटूथ यूएसबी सब कुछ होगा, और पीछे सेट को ठंडा रखने के लिए फैन भी दिया हुआ है। Okay, guys, आप लोग और आप इसको 4 कॉलम चला सकते हो। पीछे बेसिकली यहाँ पर हमको फैन दिया है ताकि इसमें जो भी हीट जनरेट, क्योंकि हाई आउटपुट डिवाइस है तो नॉर्मली हीट जनरेट होती है, तो उसको निकालने के लिए यहाँ पर फैन भी दिया हुआ है। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमको 4 स्पीकर्स की कनेक्टिविटी मिलती है, ऊपर 2 और नीचे भी 2।
और यहाँ पर आप लोग नीचे भी देख सकते हैं कुछ हमको ये इनपुट जैक भी दिए हुए हैं। बेसिकली यहाँ पर हम आरसी पिन कनेक्ट करके मोबाइल से सॉन्ग वगैरह प्ले कर सकते हैं, ऑक्स पिन को यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके आपको रेट का मैं एक आइडिया दे दूँ, जो 4 ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है हमारे वो 720 रुपए से लेके 8 ट्रांजिस्टर 930 रुपए तक है। ओके। और जो हमारे मॉस्फेट वाले एम्पलीफायर हैं ये 1500 रुपए से लेके 1800-1900 रुपए तक की रेंज में है। ओके अंकल जी। और अंकल जी इसके एम्पलीफायर के बाद अब आप हमको क्या दिखाने वाले हैं? इसके बाद हमारे पास होम थिएटर टावर्स हैं। ओके। अलग अलग तरह के, तो वो अब मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन सी रेंज। ये 4 इंच वूफर में है। ओके। और इसको आप एलईडी टीवी के साथ चला सकते हैं, कुछ छोटी स्पेस है जैसे दुकान में है या छोटा रूम है वहां रख सकते हैं। इसमें स्टीरियोफोनिक आवाज आएगी टावर की, और इसमें भी ब्लूटूथ यूएसबी एफएम रिमोट सब कुछ है। ओके। बेसिकली हमारे जो नॉर्मल फीचर्स होते हैं वो सब मिल जाते हैं। हाँ। तो गाइस यहाँ पे आपको बीटी कार्ड भी मिल जाएगा, ऑक्स वगैरह यूएसबी सपोर्ट सब कुछ है। और आप लोग देख सकते हैं 2 स्पीकर है इसके अंदर, और इधर साइड में एक वूफर है। अंकल कितने इंच का वूफर है ये? इसमें 4 इंच का वूफर है। 4 इंच का वूफर है। और एक इसमें ये कनेक्टिविटी दी हुई है अगर आप इसमें एलईडी अपनी जोड़ना चाहो। ओके। तो गाइस आपको ऑक्स का सपोर्ट भी मिल जाता है इसके अंदर। 220 वोल्ट एसी से चलेगा बिजली पे। हाँ। ओके अंकल कितना अप्रोक्सीमेट प्राइस होगा लगभग इसका? ये जो छोटे टावर्स हैं ये 870 रुपए से लेके 1250-1300 तक है। ओके। मॉडल वाइज रिमोट वगैरह सब मिलते हैं? हाँ विद रिमोट। ओके। तो अंकल इसके बाद कौन सा आता है फिर? इसके बाद ये आता है, ये थोड़े लंबे साइज में टॉवर्स हैं। ओके। कम जगह घेरते हैं और देखने में भी काफी सुंदर हैं। ओके। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं इसके बाद हमारा ये वाला आता है। अंकल इसकी क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं? इसमें भी सेम ब्लूटूथ है। ओके। एफएम है, यूएसबी है, विद रिमोट है। ओके। तो इसके अंदर हमें कितने कितने इंच के स्पीकर और ट्विटर मिल जाते हैं? इसमें 5 इंच का है जो स्पीकर है, जो वूफर है वो हमारा 5 इंच का है, और स्पीकर 3 इंच के और 4 इंच के हैं। 3 इंच और 4 इंच के स्पीकर लगे हुए हैं। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं ये वाला मॉडल कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर हमको सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, ट्रेबल बेस वॉल्यूम कंट्रोल मिल जाता है। फ्रंट में हमको एक स्पीकर एक ट्विटर मिल जाता है, और यहाँ साइड में आप लोग देख सकते हैं एक ये 5 इंच का वूफर मिल जाता है। और पीछे अगर मैं दिखाऊं तो आपको यहाँ पर ये ऑक्सी कनेक्टिविटी मिल जाती है, यहाँ से आप लोग देख। और एफएम के लिए यहाँ पर ये एंटीना मिल जाता है विद रिमोट। तो अंकल ये कितने में पड़ता है लगभग इसका? ये 1000 रुपए से लेके 1350 रुपए तक है। 1000 से साढ़े मॉडल वाइज। इसमें भी बहुत सारे मॉडल है हमारे पास। ओके। सो अंकल नेक्स्ट वाला कौन सा है? ये एक तो इसमें वूफर साइज बड़ा हो गया, 6 इंच का वूफर है इसके अंदर, 6 इंच का है, बाकी 5 और 4 इंच थे पहले। हाँ, और जो इसकी आउटपुट आएगी वो उन सेटों के मुकाबले और ज्यादा आएगी। ओके। और बाकी इन सेटों में ब्लूटूथ यूएसबी एफएम रिमोट सब कुछ है। ओके। तो गाइस एक बार मैं इसकी आपको स्पेसिफिकेशन, और एक चीज इसमें और है कि इसके ऊपर हैंडल दिया हुआ है। ओके। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं बेसिकली हमारा पोर्टेबिलिटी के लिए ऊपर यहाँ पर हैंडल भी दिया हुआ है इसको पकड़ने के लिए। और मैं आपको सामने से दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये हमारा लाइटिंग वगैरह दिया हुआ, डिस्प्ले वगैरह। बेसिकली ये म्यूजिक के साथ रिएक्टिव लाइट, उस पर आपको ये वॉल्यूम कंट्रोल, ट्रेबल कंट्रोल और बेस कंट्रोल मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी, ब्लूटूथ भी है, ऑक्स भी है, बाकी यहाँ पर ये सफल वगैरह के बटन है। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपको फ्रंट में सिंगल स्पीकर मिलता है 4 इंच का, और यहाँ पर एरो पोर्ट मिल जाएगा, और साइड में आपको यहाँ पर वूफर मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हैं 6 इंच के अंदर है। और अंकल बैक साइड से देखें तो इसमें भी ऑक्स कनेक्टिविटी है। सो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसमें भी आपको यहाँ पर ये ऑक्स कनेक्टिविटी मिल जाएगी, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसके साथ में एक रिमोट है, ऑन ऑफ के लिए यहाँ पर स्विच मिल जाता है। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं ये मॉडल कौन सा मॉडल अंकल ये वाला? ये 6 इंच वूफर में है। नाम क्या है बेसिकली इसमें? कई मॉडल्स आते हैं जैसे माचो के नाम से है। Okay. लेजर है, थंडर है, थार मॉडल आता है। ठीक है। तो अंकल इसका एप्रोक्सीमेट कितने से स्टार्टिंग हो जाता है? इसमें 1250 रुपए से लेके 1500 रुपए तक की रेंज में है। ओके। तो अंकल इसके बाद क्या दिखाने वाले हैं आप हमको? इसके बाद मैं आपको एक अपना 6 इंच में ही मॉडल दिखाऊंगा, वीनस। ओके। वो काफी अच्छा बिकता है। ओके। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं नेक्स्ट वाला टावर कुछ इस तरीके का है। बेसिकली आईकॉन वीनस ब्रांड से आता है, अंकल की खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। तो अंकल इसके क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है? इसमें एक तो वूफर 6 इंचेस है। ओके। और जैसे उसमें हैंडल दिया था इसमें भी ऊपर हैंडल दिया हुआ है, उठाने के लिए कन्वीनियंट है। और बाकी ब्लूटूथ यूएसबी एफएम रिमोट सब कुछ है इसमें। ओके। ऑक्स वगैरह कनेक्टिविटी सब कुछ है जैसे औरों में थी। तो अंकल फ्रंट में हमको 2 स्पीकर मिलते हैं, सिंगल स्पीकर इसमें सिंगल वाला ऑप्शन भी है, और कुछ मॉडल्स में डबल ऑप्शन भी है। अंकल इसकी कितने से स्टार्टिंग हो जाती है? इसमें 1250 रुपए से लेके 1500 तक के हैं। ओके। तो अंकल इसके बाद क्या दिखाने वाले हैं आप हमको? इसके बाद एक मॉडल मेरा 8 इंच में, एक वो देख लीजिए। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं बेसिकली ये अब तक का सबसे बड़ा मॉडल होने वाला है, आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके का है ये। तो अंकल इसकी क्या क्या स्पेसिफिकेशंस होने वाली? इसमें एक तो वूफर साइज जो है वो 8 इंच है। ओके। 8 इंच वूफर होने से बेस जो है वो काफी अच्छा आता है। ओके।
और इसमें 4 इंच का ट्यूटर और 4 इंच का स्पीकर लगा हुआ है जिससे कि ट्रेबल अच्छी आती है फ्रंट के अंदर और साइज बड़ा होने से इसमें बेस अच्छी आती है और गुड लुकिंग तो है ही, इसके साथ इसकी आवाज बाकी सेटों से बहुत अच्छी है। ओके अंकल, तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, यूएसबी, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, यूएसबी, एफएम रिमोट सब कुछ है, माइक वगैरह सब लग जाएगा, सब लग जाएगा इसमें। ओके, तो अंकल इस वाले सेट की स्टार्टिंग कितनी से हो जाती है? इसमें स्टार्टिंग 1600 रुपए से लेके 3100 रुपए तक के है। ओके, इसका क्या क्या स्पेसिफिकेशन होने वाला है? इसमें इनबिल्ट स्पीकर है 4 इंच का। Okay. और इसमें भी पेन ड्राइव, यूएसबी कार्ड लगा हुआ है, इसके अलावा एफएम चलेगा, ब्लूटूथ चलेगा। okay. और रिमोट है। okay. अंकल क्या प्राइस रेंज होगी? ये हमारे पास 350 रुपए से लेके 490 रुपए, 500 रुपए तक के हैं। इस टाइप का आईफोन ब्रांड का है, मल्टीमीडिया प्लेयर है, बेसिकली प्योर साउंड के ब्रांडिंग के साथ आता है। और इसमें मैं आपको दूसरा मॉडल दिखाता हूं। इसमें एक मॉडल ये है, एक ये मॉडल है, देखिए डबल स्पीकर में है, बेसिकली हमारा डबल स्पीकर के साथ में आता है। यहाँ पर आपको ये ऑक्स की, ब्लूटूथ की सबकी कनेक्टिविटी मिल जाएगी। अंकल इसका क्या प्राइस रेंज है? ये 430 रुपए से लेके 530 रुपए तक है। ओके, तो अंकल इसके बाद भी कोई वैरायटी आती है इनके अंदर? इसके बाद फिर प्लेन स्पीकर्स हैं। ओके, तो जो आप एम्पलीफायर्स के साथ चला सकते हो। ओके, सो गाइस चलिए फटाफट से प्लेन स्पीकर्स भी देखिए। जैसे आप ये देखिए, ये मॉडल आप देख रहे हैं, ये 4 इंच स्पीकर में है। ओके, तो ये अंदर बेसिकली एम्पलीफायर नहीं है, ये सिंपल स्पीकर, प्लेन स्पीकर्स हैं। तो इसको आप जैसे ई रिक्शा में, ऑटो में या छोटी जगह पे यूज कर सकते हैं। ओके अंकल, कितने से स्टार्टिंग हो जाती है? ये 220 रुपए से लेके 450 रुपए तक है। ओके, तो अंकल इसमें और बड़े भी स्पीकर्स आते हैं? इसके बाद आता है, ये देखिए, ये है 6 इंच। तो गाइस 4 इंच के बाद हमारा ये 6 इंच का आता है, आप लोग देख सकते हैं, कुछ इस टाइप का एनक्लोजर होता है इसका। ये इसकी ब्रांडिंग है, ये 380 रुपए से लेके 480 रुपए तक के है। ओके, बेसिकली 380 से लेके 480 तक आपको मिल जाएंगे अंकल की शॉप पे। इसके बाद ये है 8 इंची, इसमें उसके बाद में गए थे 8 इंची साइज में आता है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें आप ये देखिए, हमारे पास 3 तरह के हैं। ओके, ये देखो गाइस, एक और पीस है इसके अंदर, आप लोग ये भी देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए। और इसके अंदर जो है, ये प्लास्टिक बेल्ट के अंदर आप लोग देख सकते हैं, इसके अंदर एक और वेरिएंट आता है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये काफी अच्छा लग रहा है। तो अंकल कितने से स्टार्टिंग हो जाती है? ये 410 रुपए से लेके 1100 रुपए तक के पेयर है। ओके, पेयर मिलता है मतलब जोड़ा, ये इनकी पैकिंग की पेयर में आती है। ओके, पेयर में आती है। और ये आप हर जगह यूज कर सकते हैं, जैसे ऑटो में, रिक्शास में, छोटे टेम्पोज में, ट्रैक्टर में। ओके ओके, तो गाइस आप लोग देख सकते हैं अंकल के पास में कुछ इस टाइप के स्पीकर्स मिल जाते हैं, नॉर्मल स्पीकर होते हैं सब, इधर भी एक है, इधर भी है और इधर भी है, मतलब स्पीकर्स की आपको काफी सारी वैरायटी मिल जाएगी अंकल के पास में। सो गाइस ये था शॉप नंबर 360 का छोटा सा ब्लॉग टूर। सो गाइज आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आपको डेली देखने के लिए मिलते रहें। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।